हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में देख लिया होगा इटली वर्क परमिट। सही तरीका, ऑफिशियल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, आपको आ जाना है, ये देखिए amb.newdelhi.history.it। ये है, ये देखिए क्या है, ये है इटली की एम्बेसी जो न्यू दिल्ली में है। इटली कंट्री की जो ऑफिशियल एम्बेसी है न्यू दिल्ली में, उसकी वेबसाइट है। यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आ रहे हैं। इटालियन नेवी की एक शिप आने वाली है मुंबई, ये अपडेट दिया है उन्होंने। और भी आप पढ़ सकते हैं, अपडेट ले सकते हैं यहाँ से। अगर आप इटली जाने में इंटरेस्टेड हैं तो सारी अपडेट आपको यही मिल जाएगी। इवन जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने जा रहे हैं, देखिए उनके लिए भी अपडेट यहीं पे आती है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको आ जाना है यहाँ पे और इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आता है काउंसलर सर्विसेज एंड वीज़ाज, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आ गया नीचे फ्रेंड्स। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको करना है, कोई और तरीका नहीं है, ठीक है। देखिए, एक्सेस टू काउंसलर सेक्शन ऑफ एम्बेसी ऑफ इटली न्यू दिल्ली इज ओनली अलाउड बाई अपॉइंटमेंट, ठीक है। फॉर अपॉइंटमेंट प्लीज सेंड एन ईमेल टू counselor.newdelhi@history.it, ठीक है फ्रेंड्स। इन ऑर्डर टू बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर सेलेक्टेड काउंसलर सर्विसेज इट विल बी नेसेसरी टू कम्प्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑन द वेबसाइट। मतलब अगर आपको एम्बेसी में जाना है तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट इस मेल आई डी से आपको लेना है, counselor.newdelhi@history.it, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आने के बाद आपको अगर और जानकारी लेनी है तो कैसे ले सकते हैं आप यहाँ पे इटली ऑन इंडिया में क्लिक कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने सब अपडेट किया हुआ है। ये देखिए कि इटली और इंडिया के बीच में कैसा रिलेशन चल रहा है, सब कुछ सही है, सब कुछ कैसा चल रहा है, ये देखिए। अब इसके बाद आप क्या करिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइप करिए आप VFS इटली इंडिया, गूगल पे टाइप करिए और गो कर दीजिए। अब देखिए आपके सामने जब ये आएगा तो आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जो पहला चेकलिस्ट आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए आपके सामने ये आ गया, अब आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर अ वीज़ा पे, स्टार्ट नाउ। उसके बाद आपको आना है वीज़ा टाइप, आइडेंटिफाई करना है कौन सा आपका वीज़ा टाइप है। अब देखिए फ्रेंड, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि देखिए, अगर आप न्यू दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में हैं तो आपकी ये रीजन होगा न्यू दिल्ली। अगर आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में हैं तो आपका मुंबई में होगा, ठीक है। कलकत्ता में भी है, ठीक है। तो आपको उसके हिसाब से अप्लाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए कि मैंने मुंबई सेलेक्ट किया, ठीक है। मैं समझ लीजिए मैं रहता हूँ गुजरात में, तो मैंने मुंबई सेलेक्ट किया, तो मैं यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद मुझे अपना वीज़ा सेलेक्ट करना है, मुझे जाना है काम के लिए, तो मैं एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करूँगा। ये देखिए एम्प्लॉयमेंट मैंने सेलेक्ट किया, डन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है, आप स्क्रीन पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सब कुछ है। देखिए क्या लिखा है ओवरव्यू में, दिस वीज़ा इज़ फॉर एप्लीकेंट्स हु रिक्वायर वर्क परमिट, गिवन देयर वर्क रिक्वायर्स और परमिट्स देम टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। आपने देखा ये देखिए, अब यहाँ से आप पूरा जानकारी ले सकते हैं। ये देखिए वीज़ा फ़ीस कितनी होगी, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होगा, तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। पहले वीज़ा फ़ीस पे आते हैं। देखिए वीज़ा फ़ीस आपकी है, अगर आप डी कैटेगरी ले रहे हैं तो 116 यूरो है, वो इंडियन रुपीज़ में आएगा 9,650 रुपये, ठीक है। तो ये है, ठीक है फ्रेंड। बाकी देखिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है पूरी, आप ले सकते हैं। ग्लोबल चार्ज जो VFS का है वो है 498 रुपीज़ और कन्वीनियंस फ़ीस 166 होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ से अगर आपको फॉर्म देखना है, फॉर्म हमेशा यहीं से लीजिए फ्रेंड, लेटेस्ट फॉर्म आपको यहीं से मिलेगा, कहीं और से नहीं मिलेगा। कहीं और से भरेंगे आपका क्लियर नहीं होगा, बाद में आप रोते बैठेंगे, कुछ होगा नहीं। ये देखिए काउंसलेट जनरल ऑफ इटालिया मुंबई, मतलब आप जिस रीजन के हिसाब से अप्लाई करेंगे वो रीजन ऊपर लिखा हुआ आना चाहिए। अगर आप कोलकाता से अप्लाई कर रहे हैं तो कोलकाता लिखा होना चाहिए, दिल्ली तो दिल्ली। ये देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ आ गया। ये देखिए 3 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर सीरियल नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप भरते हैं। इटली का जो भी एम्प्लॉयर आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है उसका एकदम एग्जैक्ट एड्रेस जो कॉन्ट्रैक्ट कॉपी में लिखा है वही आना चाहिए। जो पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए ये आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। 19 पे आप देख, सीरियल नंबर 19 देख लीजिए। उसके बाद आप इसको देख के यहाँ पे इसको साइन करके आप जा सकते हैं, ठीक है, VFS लेके जा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको और एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। अब देखिए फ़ोटो स्पेसिफिकेशंस क्या है आपके, ये देखिए इन्होंने बताया हुआ है। फ़ोटो आप देख लीजिए, फ़ोटो ऐसा होना चाहिए 3.5x4.5 और 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप 1 महीने पुराना लगाइए, जितना रीसेंट फोटोग्राफ लगाएंगे उतना अच्छा है, इमिग्रेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है फ्रेंड्स।
अब उसके बाद आप देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, ये देखिए यहाँ पे है। आपको दो चीज़ें करनी होती हैं, एक डिक्लेरेशन देना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए सीधा सिंपल है फ्रेंड। देखिए पीडीएफ फाइल आपके सामने खुल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन से चाहिए आपको। एक तो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, पूरा भरा हुआ। पासपोर्ट, टू रीसेंट पासपोर्ट, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद आपका पासपोर्ट, फोटोकॉपी ऑफ आपका जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो, ठीक है, अंडरटेकिंग लेटर होगा आपके एम्प्लॉयर से कि वो आपको काम दे रहा है, ठीक है। और अगर आप बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं अपना, यहाँ इंडिया में रहने का प्रूफ, आपकी कोई ज़मीन वमीन है कि आप यहाँ के परमानेंट नेटिव है, ऐसे करके आप आधार कार्ड की कॉपी भी लगा सकते हैं आप, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए ये आपने लगा दिया। आप देखिए यहाँ प्लीज़ नोट में क्या लिखा है, द एम्बेसी काउंसिल रिजर्व द राइट टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंटेशन इन दिस केस द मैक्सिमम भी 30 डेज फिक्स बाई इटालियन लॉ। मतलब जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो 30 दिन आपका लग सकता है वेरीफाई करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। एक और चीज़ क्या लिखी है, एनी चेंज हैज अकर्ड इन दिस रिगार्ड एडुकेट प्रूफ ऑफ रेजिडेंस नीड टू बी सबमिटेड, इन्होंने बताया है, ठीक है। अगर आपका रेजिडेंस कहीं चेंज हुआ है तो आप रेजिडेंस प्रूफ आपको देना ज़रूरी है। अब देखिए एक डिक्लेरेशन भी आपको साइन करना होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं साइन किया है तो ये आपको साइन करना पड़ेगा, ये भी। ये देखिए ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा आप। और अब हम आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, देखिए हमने सब कुछ कवर कर लिया है, वीज़ा फीस मैंने आपको सब बता दिया। अब देखिए इसी में अगर आपको एक लॉन्ग टर्म वीज़ा भी होता है फ्रेंड्स, इटली का लॉन्ग टर्म वीज़ा डी टाइप, ये देखिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अ लॉन्ग टर्म एंट्री वीज़ा इज कॉल्ड नेशनल वीज़ा एंड ग्रांट्स एक्सेस फॉर लॉन्ग टर्म स्टे इन द स्टेट दैट इशूड इट अलाउज ऑन कंडीशन इट इज स्टिल वैलिड द फ्री सर्कुलेशन फॉर अ पीरियड ऑफ नो मोर देन 90 डेज फॉर मुंबई जुडिशन देर इज नो कैपिंग फॉर लॉन्ग टर्म एक्सेप्ट फॉर स्टूडेंट कैट। मतलब आप अगर मुंबई से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये वीज़ा नहीं मिलेगा, आपको एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये है सही तरीका अप्लाई करने का इटली वीज़ा का फ्रेंड्स, अगर आपको अप्लाई करना है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। आप अपने रीजन के हिसाब से अप्लाई करिए। देखिए अगर कलकत्ता पे जा रहे हैं तो कलकत्ता पे क्लिक करिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कलकत्ता का भी ऐसे ही होगा। उसका जो फॉर्म होगा, फॉर्म के ऊपर क्या लिखा होगा आप खुद देख सकते हैं फ्रेंड, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए आपने एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट किया, डन किया, अब यहाँ पर आइए, एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करिए, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करिए, ओपन करिए। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना, काउंसलेट जनरल ऑफ इटली कोलकाता आ गया। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी एरिया सही से डिसाइड करिए। अगर आप कहीं और रह रहे हैं, आपने कहीं और अप्लाई किया, तो आपको वीज़ा तो मिलेगा ही नहीं, प्लस आप अपने आगे वाले किसी भी वीज़ा के लिए भी चांस खो बैठेंगे। तो सही तरीका अप्लाइए, अपना एजेंट खुद बनिए, ठीक है फ्रेंड्स। कोई डाउट है आप मेरे पास आ सकते हैं, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। कोई भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स आप कमेंट्स और व्हाट्सएप पे, ठीक है। टेक केयर, गॉड ब्लेस।